बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि लोगों में बेहतरीन बंदा वही है जिसे कुछ दिया जाए और वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। किसी मालदार को उसकी मालदारी अल्लाह के हाँ कोई काम नहीं दे सकती। हर हाकम अपने अपने सूबा में अमनो अमान का जिम्मेदार होता है। तुम खैर से रहोगे जब तक अपने भले लोगों से मोहब्बत करते रहोगे। किसी आदमी का अहले इल्म के साथ उठना बैठना आना जाना उसकी दीनी समझदारी में से है। बड़े यकीन वाले की नेकी का एक जर्रा धोखे में पड़े हुओं की पहाड़ों जितनी इबादत से अफजल है। खैर ये नहीं कि तुम्हारे पास माल और औलाद की कसरत हो, बल्कि खैर ये है कि तेरा इल्म बड़ा हो, तेरे अमल ज्यादा हों और अल्लाह की इबादत में तू लोगों से मुकाबला करे। खैर का सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों अजर में बराबर हैं। हमेशा इल्म हासिल करने में जदोजहद करते रहो। अपनी सेहत को ऐसी आजमाइश के आने से पहले गनीमत समझ जिसे बंदे दूर ना कर सकते हों। ऐ मालदारों, अपने मालों को अपने चमड़ों पर ठंडा कर लो इससे पहले कि हम और तुम इसमें बराबर हो जाएं। तुम में जो अच्छा है वो अपने साथी से कहता है आओ मरने से पहले रोजा रख लें, और तुम में जो बुरा है वो अपने साथी से कहता है कि आओ मरने से पहले खा लें और ऐश कर लें। अपने माल में से अपनी बेसरो सामानी के दिन के लिए कर्ज दो। मैंने अच्छी तरह तैरना नहीं जाना इसलिए मैं गर्क होने से डरता हूं। मुंह धोने से पहले चेहरे पर खीरे और लीमू के रस को मिलाकर लगा लिया करो, 90 साल तक जुरियां नहीं पड़ेंगी। जो मौत का जिक्र बार बार करता है उसको खुशियां कम ही मिलती हैं और उसका जिस्म कमजोर पड़ता जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।